बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं क्यूएसटी। नाज़रीन, कोरोना की वजह से तालीमी अदारों में एक्टिविटीज़ तो बंद हैं, लेकिन जिसकी वजह से क्यूएसटीवी ने एक प्रोग्राम तालीम घर जो कि शुरू किया है, उसमें आपको हम खुश आमदीद भी कहते हैं। और आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के एक मारूफ प्राइवेट स्कूल साइंस लाइसियम स्कूल पख्तेवाला में मौजूद हैं। तो इस वक्त हम बच्चों की ज़हनी आजमाइश के हवाले से भी इस प्रोग्राम में होंगे, खेल भी होगा, इसमें टैबलो भी होंगे। तो आज इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मेरे साथ सर अफजल साहब और सर जुल्फकार साहब मौजूद हैं, तो मैं इनको दावत दूंगा और ये माइक इनके हवाले करता हूँ, ये बाकायदा प्रोग्राम को शुरू करें। जी सर जुल्फकार साहब, ये बाकायदा तौर पर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपको पता है आज आपका प्री कंपटीशन जो है वो चल रहा है, जो साइंस कंपटीशन आपका, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर टीम से जो इसके जो टोटल तीन राउंड होंगे, पहला राउंड जो है वो टीम से जो मुतल्लक होगा, हर टीम से पांच पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीम ए और टीम बी से। दूसरा राउंड जो है वो उसमें जो है आपका सोलो राउंड होगा, जिसमें हर मेंबर से जो टीम मेंबर होगा उससे नौ नौ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और उसे वो उसके आंसर देने पड़ेंगे। अगर आप दोनों टीमें क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, आपका स्कोर सेम रहता है, तो फिर हम थर्ड अपना राउंड जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रैपिड राउंड होगा, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पांच क्वेश्चन किए जाएंगे। और कोई भी टीम मेंबर, दोनों टीम में से ए बी से कोई भी टीम मेंबर जो है वो जितना पहले आंसर दे देगा वो उसका आंसर वो तस्लीम कर लिया जाएगा। तो अपना हम क्विज कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आता हूँ टीम ए की तरफ जी। राउंड वन गर्ल्स से मेरा पहला क्वेश्चन है टीम ए से, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन। जी गर्ल्स, जो आप आपका इसका है कन्वेक्शन। नंबर टू जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड इज 1413 डिग्री सेल्सियस। जी 2660 गर्ल्स। ये भी आपसे मेरा तीसरा सवाल, क्लोज माइटोसिस इन is found in, closed mitosis is found in prophase, plants and fungi। गलत। आपसे मेरा चौथा सवाल, गालजी was given Nobel Prize in 1906। जी दुरुस्त जवाब। जी स्लैपिंग करते भाई, दुरुस्त जवाब। आपसे मेरा पांचवा और पहले राउंड का आखिरी सवाल है, सेल ऑर्गेनेल मैन्युफैक्चरिंग प्रोटीन्स राइबोसोम्स। जी राइबोसोम। जी क्लैप। जी जी पहले राउंड में जो गर्ल्स हैं उनके जो हैं वो कुछ आंसर हमें मिल गए हैं। जी राउंड वन में जो गर्ल्स के नंबर आए हैं वो हैं 30, दो सवाल इनके गलत हुए हैं और तीन इनके जो है वो सही हुए हैं। अब मैं सर अफजल को दावत देता हूँ कि वो टीम बी से जो है ना वो क्वेश्चन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का हमारा साइंस सिलेक्शन स्कूल का कोई ये क्विज प्रोग्राम है, उसके तहत ये तमाम स्टूडेंट मौजूद हैं और इनमें दो टीमों का इंतखाब किया गया, टीम ए और टीम बी। अब टीम ए से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब उसके अलावा दूसरे हिस्से पर टीम बी से मैं क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 760 मिलीमीटर ऑफ एचडी। हाँ जी शाबाश, ये करेक्ट है जी, ये जवाब बिल्कुल ठीक है जी इनका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जी, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक है। सामने उसके बाद जी, फार्मूला ऑफ रेस्ट इज, फार्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.NH2O। शाबाश, ये ठीक है जी, ये भी ठीक है। उसके बाद जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिक्स। सिक्स ठीक है जी, जवाब। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल।
101325 पास कर। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन। राउंड वन में हमारे जो बॉयज हैं टीम बी, उनके पांच क्वेश्चन में से पांच के पांच आंसर बिल्कुल सही रहे हैं, लिहाजा उनका स्कोर है 50। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट राउंड जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसमें हम हर टीम मेंबर से जो है वो नौ नौ क्वेश्चन पूछेंगे, हर टीम मेंबर से जो है वो नौ नौ क्वेश्चन पूछेंगे। टीम ए में से जो तीन पर्सन है, जो टीम मेंबर है, हर टीम मेंबर से नौ नौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम है जो है हमारी टीम बी है बॉयज़ की, उनसे भी क्या है, हर मेंबर से नौ नौ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो चलते हैं गर्ल्स की तरफ, टीम ए की तरफ। जी, इस राउंड में आपको एक बात जो है वो थोड़ी सी वाजह कर दें कि हर टीम मेंबर जो होगा वो खुद आंसर करेगा, वो दूसरे से डिस्कस नहीं करेगा, लिहाजा आप अपने मास्क नीचे कर लें। सबसे पहले टीम ए के फर्स्ट मेंबर से मेरा क्वेश्चन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपको एक रिएक्शन में बोलने लगा हूँ केमिस्ट्री का, आपने ये बताना है ये कौन सा रिएक्शन है। टू जेड एन ओ प्लस सी, यानी के जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन चेंजिंग इनटू जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा रिएक्शन है। रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन। जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल, ट्रिप्सन एंजाइम, ट्रिप्सन एंजाइम वर्क इन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जी, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल ठीक। जी, आपसे मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, इन राइबोस शुगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3। राम जी, आंसर आपका गलत है जी, 5 है। दूसरे मेंबर से मेरा पहला क्वेश्चन है, सी स्टार गेन्स इट्स लास्ट आर्म बाय माइटोसिस। माइटोसिस जी, बिल्कुल ठीक। अभी तक आपका एक गलत हो रहा थी जी, 4 ठीक हो गए। अच्छा जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप इज 5%। 5% जी, बिल्कुल ठीक। जी, आपसे मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल इज, केमिकल फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल इज जी, टाइम अप जी, आपका टाइम खत्म जी, ये आप आंसर नहीं दे पाए। 2 गलत और जो है 4 आपके सही हो गए हैं 6 में से। अब आप टीम ए का लास्ट वाला मेंबर जी, थर्ड मेंबर से मैं 3 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो है लाइफ लाइन अभी मौजूद है, आप अपने नंबर जो है बढ़ा सकते हैं, स्कोर अपना ज़्यादा कर सकते हैं जी। आपसे मेरा पहला सवाल जी, डार्क रिएक्शंस आर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल जी। जी, आपसे मेरा सेकंड लास्ट और 8वां सवाल है, सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। ये आप बोले हैं, सॉरी ये गलत जी। जी, लास्ट वाला आपसे क्वेश्चन है मेरा, अभी तक आपके 3 गलत हो चुके हैं, ठीक है। स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। जी गलत जी, अमाइलेज एंजाइम से ये तोड़ा जाता है, बिल्कुल जी। ये जी आपका जो ये राउंड जो हमारा सेकंड था, इसका जो पहला पोर्शन है टीम ए से पूछे गए सवाल जो है पूरे हो चुके हैं। इस राउंड में जो है टीम ए ने जो है वो 9 में से 4 सवाल के जवाब गलत दिए हैं, जबकि इनके जो 5 थे वो सही हैं, लिहाजा इनका जो स्कोर है राउंड 2 में वो 50 है। जिस तरह जैसा कि आपके सामने ये दूसरा राउंड शुरू है, तो गर्ल्स का जो पहला राउंड हो चुका है, अब उसके साथ ये बॉयज़ का दूसरा राउंड चलता है। दूसरा राउंड चलता है, जो मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन करता हूँ जी। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्सिस, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर।
गलत। 8.7 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एलिमेंट इज मोर देन 1.7, द बॉन्ड विल आयनिक बॉन्ड। हाँ ठीक, ये करेक्ट। उसके बाद ये आपका तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर एफ एक्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 3 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर एफ एक्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 3 न्यूटन। 5 न्यूटन करेक्ट। जो उसके बाद ये नेक्स्ट है, सेकंड, डार्क रिएक्शन आर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल करेक्ट। नंबर ऑफ फास्फेट ग्रुप इन एटीपी मॉलिक्यूल 3। करेक्ट। रॉबर्ट हुक वाज साइंटिस्ट इन व्हिच कंट्री बिलोंग टू? ब्रिटिश। करेक्ट। अब जी तीसरा और आखिरी, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। गलत। 0.5। जी दूसरा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आपने जी, रॉन्ग। वाटर इज डेंसर देन आइस। हाउ मैनी फोटो सिस्टम वर्क इन जेड स्कीम? अगेन, हाउ मैनी फोटो सिस्टम वर्क इन जेड स्कीम? जेड स्कीम। रॉन्ग। टू। जी जैसा कि आपने देखा कि हमारा मुकाबला बड़ा दिलचस्प जा रहा है, दोनों टीम ने क्या है 50-50 मार्क्स जो है ना वो हासिल किए हैं दूसरे राउंड में। अब हम अपना लास्ट और तीसरे वाला राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ तो व्यूज, जैसे आप देख रहे हैं कि मुकाबला बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है। हमारा लास्ट राउंड जो है वो हमारा रैपिड आंसर राउंड है, जिसमें हर टीम हम 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर टीम में से कोई भी पर्सन जो है, कोई भी मेंबर जो है, उसका आंसर दे सकता है। जो मेंबर पहले आंसर देगा उसी का वो आंसर क्या है वो काउंट किया जाएगा। यानी कि टीम मेंबर जो हमारे ए के हैं उनमें से कोई आंसर दे दे, या टीम बी उनमें से कोई पर्सन जो है, कोई मेंबर जो है वो आंसर दे सकता है। मैं आपको बताता चलूँ व्यूज कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहले राउंड के अंदर जो हमारी टीम ए थी उसका जो स्कोर था वो था 30 और दूसरे राउंड में इनका था स्कोर 50। टोटल मिला के इनके जो स्कोर हो गया था वो था 80। जबकि हमारी जो टीम बी है, जो बॉयज है हमारे, उनका राउंड ए में 50 स्कोर था और दूसरे में भी क्या था 50, यानी कि टोटल मिला के उनके क्या हो गए हैं 100 स्कोर। इस राउंड का एक असूल जो है वो ये भी सुन ले कि जो टीम मेंबर, चाहे वो टीम ए हो या टीम बी हो, जो क्वेश्चन का आंसर गलत देगा उसके क्या होंगे 10 मार्क्स हर क्वेश्चन के काट लिए जाएंगे। जितने क्वेश्चन गलत होंगे उतने मार्क्स काट लिए जाएंगे। लिहाजा सवाल को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और उसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। जी मेरा सबसे पहला सवाल दोनों टीमों से, विच ऑफ द सब्सटेंस इज लाइटेस्ट वन? लिथियम। गलत जी, एल्युमिनियम। जी मेरा दूसरा सवाल, सोडियम इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल बट इट डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। विच ऑफ द मिक्सचर ऑफ स्टेनलेस स्टील? निकल प्लस आयरन प्लस क्रोमियम। जी बिल्कुल ठीक जी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी मेरा आपसे जो है वो क्वेश्चन नंबर फोर जी दोनों टीमों से, द अपथ्रस्ट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय? पीजीवी। जी पीजीवी। जी पीजी बिल्कुल ठीक जी।
अच्छा जी, द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन वुड इज लिग्निन। लिग्निन जी, गर्ल्स बिल्कुल ठीक थी जी। अब मैं सर अफजल से दावत देता हूँ कि वो दोनों टीमों से जो क्वेश्चनिंग करें जी। सबसे पहले जी क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन जी, विच फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। सेंट्रोम। सेंट्रियोल। उसके बाद नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री। 37 ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या? वो तो मैं टेम्परेचर कह रहा हूँ, ब्लड टेम्परेचर कह रहा हूँ। मैंने कहा नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर का। चल ब्लड टेम्परेचर ठीक। अब 37 डिग्री। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जी ये करेक्ट मान लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.2। ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन, सोडियम पोटाशियम पंप इज फाउंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? नर्सल। नर्सल। हाँ तो व्यू, जैसे आपने देखा कि मुकाबला हमारा पूरा साफ शक्न चल रहा था, जिसमें क्या किया गर्ल्स ने, काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छी आंस दिए, और कह लें कि इन्होंने अनथक मेहनत की, लेकिन ये है कि इनके आंस काफ़ी बेहतर थे। पहले राउंड में इनने क्या किया, 30 नंबर लिए, दूसरे में इनके 50 थे, और तीसरे में जो कि हमारे रैपिड आंसर में जो थे इनके 40 मार्क्स थे। तो टोटल इनके मिला के जो हो गए हमारे वो 120 हो गए जी। जबकि हमारे तीन राउंड के अंदर जो हमारे 22 थे, उनने पहले राउंड में जो है 50 मार्क्स लिए, दूसरे में उनके जो थे उनका स्कोर जो था वो 50 था, और थर्ड वाला जो लास्ट वाला हमारा राउंड था उसमें भी जो 22 थे उनका जो स्कोर था वो 40 था। टोटल मिला के इनके जो हो गए वो 40 हो गए। लिहाजा हमारे आज का जो ये प्रोग्राम था उसकी जो हमारी टीम विनिंग है वो बॉयज टीम बी है। जी नाज़रीन, इस वक्त कुछ प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब बारी है बच्चों को प्राइज़ देने की, तो इसलिए मैं दावा दूंगा जनाब चेयरमैन साइंस सिलेक्शन स्कूल मियाँ तनवीर साहब की। जी मियाँ तनवीर साहब जी, इस वक्त मैं दावत दूंगा टीम बी को, जिस जिन्होंने ओवल पोजीशन हासिल की है, तो वो अपना आएँ मियाँ साहब से जो है वो अपना प्राइज़ लें। जी आ जाओ बच्चे, आ जाए आप, आ जाए आप। ये टीम भी है जो कि अव्वल पोजीशन इसने हासिल की है, उसको मियाँ तनवीर साहब बाकायदा तौर पर प्राइज़ दे रहे हैं। तो जी बहुत शुक्रिया जी मियाँ साहब, बैठिए आप। अच्छा तीनों बोल रहे हैं। जी आप आए जी। नाजरीन, इस वक्त असी साइंस लैसन स्कूल विच आ, ते अज वेखो कि दूसरी क्लास के बच्चे छोटे छोटे बच्चे जड़े ने बलून किस तरीके नाल पाड़दे ने। जी बच्चे, तो तुसी हुण पता की करना है, इतों एक अपनी अपनी चेयर ते जाना है, ते बलून उत्थे जड़े ने ओ तुसी इंज डिग के उपर ते उन्हां नूं पाड़ना है। समझ आ गई है कि नहीं? इतों भजना, जिनी स्पीड नाल तुसी बलून पाड़ोगे वह विनर होएगा। ठीक है जी, 1 2 3 गो। शाबाश 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 जी। बेटा क्या नाम है आपका? दुआ। दुआ, अच्छा दुआ बेटी, आप विनर हैं, तो आपको कोई पोइम आती है? नहीं, कोई भी पोइम नहीं आती। तो कोई चीज सुनाना चाहती हैं आप मुझे? आप ट्विंकल ट्विंकल, तो ये इजी है ना, ये सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आवर वंडर व्हाट
हार अब तो बाबा वर सोहाए। आपको प्राइज भी मिलेंगे, वो बाद में देंगे, आपने कहीं जाना नहीं है, ठीक है, उधर चले जाए जी। यही अब हम बच्चों से करवाएंगे, पहले 2 क्लास की बच्चियां थी, अब बच्चों की बारी आ गई है। ऐसे ही आपने जैसे आपने पहले देखा है बच्चों, इसी तरह ही वो आपने करना है, ठीक है, समझ आ गई है। तो जब जब मैं आपको गो कहूँगा तो फिर आपने भागना है, ठीक है, 1 2 3 गो जब कहूँगा तब भागना है, अभी नहीं, ठीक है जी। 1 2 3 गो। बच्चों में ये बॉय, ये छोटा बच्चा जो है विनर हुआ है, तो आपका क्या नाम है बेटा? अनस अली। अनस अली, तो आपको कोई पोइम आती है? यस। कौन सी भला? ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल वाली। चलो फिर जो जितने भी हमारे देखने वाले हैं ना, उनको सुनाओ जरा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको प्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, आप इतनी देर के लिए उधर चले गए। पहले 2 क्लास का गर्ल और बॉय से करवाया था, वैसे ही हम 3 क्लास के बच्चों से करवाने लगे हैं। तो आपको बच्चों याद है जैसे उन्होंने किया है? Yes. जी वैसे ही आपने करना है, तो जैसे मैं आपको गो कहूँगा तो आपने वैसे ही भाग के बलून को फाड़ना है, और भाग के बलून फाड़ के वापस जो सा पहले आ जाएगा वो विनर होगा, ठीक है। 1 आप ओके हैं बच्चे? 1 2 3 गो। जी जी बेटा, क्या नाम है आपका? जैनब बशीर। जैनब बशीर, तो आपको पता है आप इस जो गेम शो था इसमें विनर हुई हैं? तो आपको थोड़ी देर बाद वो प्राइज भी देंगे। कोई पोइम वगैरह आती है आपको? जी। कौन सी भला? कट कट करती आई मून की। चलो फिर वो हमें सुनाए और सारे देखने वालों को सुनाए जी। कट कट करती आई मून की, अपनी फौज को लाई मून की फौज में, उसके बच्चे सारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, माँ को अपनी जानते हैं वो, बोली भी पहचानते हैं वो, उड़ती उड़ती चीर जाए, देखते ही मुर्गी चलाई, चीर को सुनकर बच्चे भागे, कुछ पीछे कुछ आगे आगे। जी बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छा, आपको प्राइज भी मिलेंगे, उतनी देर तक आप अपनी क्लास में चले जाए, चले चले जाए जी। जिस तरह हमने पहले 2 क्लास के और बाद में 3 क्लास के बच्चियों से गर्ल से करवाया था, इसी तरह वही गेम हम 3 क्लास के बच्चों से बॉय से भी करवाने लगे हैं। तो बच्चों आपको याद है जैसे उन्होंने किया? Yes. पक्की बात है? Yes. चलो मैं आपको जब 3 के बाद गो कहूँगा तो तब आपने भागना है, ठीक है, और जब जो बच्चा सबसे पहले आएगा बलून फाड़ के वो विनर होगा, आपको याद है ना? ओके। 2 3 ये मैंने खुद कहा था क्योंकि आप पहले अरल थे जी। 1 2 3 गो। जी आप तो पहले बहुत रेडी थे, भागने की तैयारियां फुल करी हुई थी, क्या ख्याल है, ऐसे ही है? Yes. तो आपको पता है आप विनर हो गए हैं? Yes. तो आपको प्राइज भी मिलेंगे? Yes. सर से याद है? Yes. पता है कि नहीं? Yes. अच्छा आप पोइम कौन सी सुनाएंगे? टोट टोट। कौन सी? टोट टोट। तो फिर दोबारा सुनाएं हमें जरा मुकम्मल। एक था लड़का टोट टोट, बाप था उसका मीर शोर, पीता था वो छोटा वाटर, खाता था वो बादाम टोट, एक था लड़का टोट टोट, हंडिया का खाता था हंडी, लोटे का खाता लोट, एक था लड़का टोट टोट, अम्मी बोली बेटा आओ जा सजा कर लड्डू लाओ, सुनते ही वो लेकर निकला, जय मैं उसके ऊपर का नोट एक घर का टोट। अच्छा तो भाग गया, तो उसको इनाम की खुशी में भूल गया, वैसे याद है ना? याद है ना?
चलो आप अपने वो दूसरे साथियों के पास चले जाएं। मछली जल की रानी है। मछली जिनका रानी है। गलत। मछली जल की रानी है। मछली जन्नत का रानी है। मछली जल की रानी है। गलत। अच्छा, मछली जल का रानी है। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाथ लगाओगे तो गर जाएगी। हाथ गल पड़े हो। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। हाथ लगाओगे तो गर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। पानी से बाहर निकाले तो मर जाएगी। पानी से बाहर निकालोगे तो गर जाएगी। पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये ठीक है। अच्छा, सारा पानी पी जाएगी। सारा पानी पी जाएगी। ओके हो गई। अच्छा, मैं आप बच्चों को दोबारा जरा फिर मुझे याद कराने थोड़ा सा बोलना चाहूँ जी। मछली जल की रानी है। मछली जिनका रानी है। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। पानी से बाहर निकालोगे तो गर जाएगी। सारा पानी पी जाएगी। सारा पानी पी जाएगी। अच्छा लो जी, इसने मुझे सिखा दिया, मैं अपने बच्चों को जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको भी गिफ्ट दूंगा जी। बच्चों, आपको पता चल गया किस तरह आपकी टीचर ने समझाया आपको? तो वापस में जब आपने भागना है ना वापस, तो किसी को धक्का वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि वो गिर जाएगा तो सीटें वो चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो जब मैं एक दो तीन के बाद गो कहूँगा तो तब आपने भागना है, और भाग के बलून को फाड़ के फौरी तौर पे भाग वापस आना, जो सबसे पहले आ जाएगा वो विनर हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं जी। बच्चे रेडी हैं आप? 1 2 3 गो। ओ जी बेटा, क्या नाम है आपका? बिस्मा अमजद। क्या? बिस्मा अमजद। जी बिस्मा जी, आपको आप तो आपको पता है कि आप विनर हुई हैं ये बलून फाड़ने में? यस। अच्छा, तो आपको क्या आता है, आपको सुनाना चाहेंगे हमें? इंटरनेट। जी फिर तो फिर सुना दें आप इधर देख के, ये सामने कैमरा ना उसकी तरफ देख के। इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट हैज स्टोर्ड कम्युनिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट हैज स्टोर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी कोई बात नहीं, आप दोबारा, आपको याद है ना, अब 5 क्लास की बच्चियां आ गई हैं, तो आपको बच्चों छोटे पता है कि कैसे आपने वो बलून को फाड़ना है और कैसे भागना है? देख तो लिया होगा आपने, ठीक है। तो आप रेडी हैं? गो। क्या नाम है आपका? लाइबा उमर। क्या? लाइबा उमर। लाइबा उमर, आप तो पहले रेडी थी कि मैंने बलून फाड़ के फौरी तौर पे वापस आ जाना है, तो आप वाकई विनर हो गई। तो आपको कोई पोइम वगैरह या कोई स्टोरी आती है? कौन सी वाला पोइम आती है? कौन सी? मछली जल की रानी। वो ही? आप मुझे भी सिखाएंगे कि नहीं सिखाओगी? चलो सिखाओ फिर, इधर आ जाओ ना दीवार के साथ के, इधर वो कैमरे की तरफ देखें जी। मछली जल की रानी है। मछली जिनका रानी है। मछली जल की रानी है। मछली जन्नत की रानी है। मछली जल की रानी है। मछली जल का रानी है। मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है। जीवन उनका पानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाथ लगाओगे तो मर जाएगी। डर जाएगी। गर जाएगी। हाथ लगाओ तो डर जाएगी। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। बाहर निकालो तो मर जाएगी। बाहर निकालोगे तो कर जाएगी। मर जाएगी। मर जाएगी। सारा पानी पी जाएगी। सारा पानी पी जाएगी। गो। क्या नाम है बेटा आपका? सबा शाहिद। सबा शाहिद। शाहिद, तो सबा शाहिद, आपको मैं छोटा सा एक सवाल पूछने लगा हूँ, बहुत इजी।
क्या पता नहीं, आप मैं देखता हूँ कि आप बता पाएंगे कि नहीं। तो ये पाकिस्तान किसने बनाया था? कायदे आज़म। तो किसकी सोच थी ये? कायदे आज़म की। चलो ये आप बता सकती हैं? हाँ आ जाए। ये सोच किसकी थी कि पाकिस्तान हमारा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए? इल्लामा इकबाल जी। गुड गुड गुड, ताड़ियाँ। तो आप इस गेम में विनर हुई हैं, आपको पता है? यस। अच्छा पता है, तो मेरे ख्याल से आपको सारे प्राइस भी देंगे थोड़े से। उसका क्या करेंगे, चीज़ें वगैरह खाओगे या उसको गले में डालोगे या कोई कापी पेंसिल वगैरह या कोई स्कूल की चीज़ लेंगे या मामा पापा को देंगे? अच्छा चलो ठीक है, आप थोड़ी देर उधर ठहरें फिर आपको बुलाते हैं। ठीक है बच्चे, आप भी चली जाएं। थ्री क्या नाम है बेटा आपका? मलाइका शाहिद। मलाइका शाहिद, मलाइका शाहिद आपने बहुत ही अच्छी परफॉर्म दी है जी। मलाइका शाहिद आप इस गेम में विनर हुई हैं। यस। पता है? तो आपको ये पहले जेन में बिठा लिया था कि मैं ऐसे चलूंगी और मैं विनर हो जाऊंगी? यस। अच्छा अच्छा, तो अगर आपको सरप्राइज दे तो उनका क्या करेंगी? मामा को दे दूंगी। तो वो चाहे 10 रुपए दे दे तो फिर? दे दें। 10 भी आप मामा को दे देंगी? यस। नहीं कोई चीज़ वगैरह खा लेना? अच्छा चलो ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद सर आपको देंगे इनाम, चाहे 10 रुपये हो चाहे इनाम, तो इनाम ही होता है। yes. सर से इनाम लेना बहुत बड़ी बात होती है, क्या ख्याल है? yes. तो आप वेट करें फिर आपने इनाम का भी, चले जाएं। गो। जी बेटा क्या नाम है आपका? आयत। क्या आयत? सिंपल। बहुत अच्छी बात है क्योंकि आयत का नाम के साथ और कुछ नहीं होना चाहिए जी। तो आप बेटा क्या सुनाएंगी? मछली जलती रानी। मछली जलती रानी है, मुझे याद हो गया। अच्छा आपसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम कौन है? कायद आजम। मौजूदा वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान का इस वक्त, वो कौन है पता है आपको? अल्लामा इकबाल। चलो अच्छा, आप ये बता सकती हैं आप कौन से शहर में रह रही हैं? गुजरांवाला पाकिस्तान। तो अपने स्कूल का नाम मुकम्मल याद है आपको? साइंस। वो बताएं। साइंस फ्रेशियम स्कूल जी। तो आपको पैसे मिलने वाले हैं, पैसों की कितनी खुशी है आपको? आहा चलो ठीक है, आप वेट करें, आपको पैसे पता नहीं कितने मिल रहे हैं, आप अपने वो दूसरे बच्चों के साथ चले जाएं पास। ठीक है गो। अच्छा बेटा आप हमें एक सवाल का जवाब दे सकती हैं कि आप ये बताएं कि पंजाब का गवर्नर जो है उसका नाम क्या है? सरवर जी। आपको पता है, चल गया छोटी बच्ची को कि ये जो हमारे गवर्नर है पंजाब के वो चौधरी गुलाम सरवर हैं जी। बिल्कुल। तो बेटा आपका नाम क्या है? मोमना आरिफ। मोमना आरिफ, तो मोमना आरिफ आपको कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं भला? फाइव में। तो फाइव में आप आगे क्या बनना चाहती हैं पढ़ के? पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? आपके माइंड में कुछ है कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फौज में भर्ती होंगी या कोई पुलिस में, क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर जी। तो आप चले जाएं, आपको पैसे मिलने हैं, उनसे पता क्या लेना है? क्या लेना है? मामा को देने। अच्छा सभी ने मामों के देने हैं, वो चीज़ वगैरह खाएं आप, आपकी उम्र है, बच्चों की उम्र होती है, आपने पता क्या करना है, आप जाके नहीं बताना, आपके मामा को बता देना, तो वो आपने कहना है कि मैंने चीज़ ले ली है। ठीक है चलो ठीक है ओके जी। गेम शो के बाद हम जो इसके ऑनर हैं स्कूल के उनको बुलाना चाहते हैं कि मियाँ तनवीर साहब, तो मैं दावत देता हूँ आपकी तालियों की गूंज में जनाब मियाँ तनवीर साहब।
जी नाज़रीन हुण ते मज़ा आउण लग्या जनाब जिहड़े जिहड़े बच्चियां ने जनाब जिस जिस बच्चों ने विनर हुए हैं उनको नाम मिलने का वक्त आ गया। वो काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं हमें कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो अभी पता चल जाएगा। और ठीक ठीक उनको 5 मिनट के बाद जब वो हाँ हाँ ये लफाफा फाड़ेंगे तो उसमें पता नहीं कितने पैसे निकलेंगे। यकीन करो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको चुरा लूँ, लेकिन ये गिफ्ट आपकी अमानत है, तो आप अमानत जो है आपके हाथ आप तक पहुँचनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमारे पास छोटा बच्चा आया जो विनर हुआ था, वो आके अपना इनाम ले जाए। जी बेटा जी क्लैपिंग जी। इसके बाद दूसरा बच्चा आ जाए, आप चले जाए बेटा जी। इसके बाद और जी 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 और ये बच गया, ये मेरे ख्याल से मेरी तरफ से जी छोटी इधर आए आप, आप आ गए हैं। आप कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं? साइंस लेसन स्कूल। तो आप को इतने इनाम मिल रहे हैं, आप दूसरे बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में आए या नहीं? कहना चाहूंगी। हाँ चाहूंगी। तो आपको ये स्कूल कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है, तो टीचर भी अच्छी हैं? जी। डांटती तो नहीं? नो। प्यार से पढ़ाती हैं ना? तो आप अपने दूसरे भी जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनको कहना कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, ठीक है, लिहाजा आप भी आए और इधर दाखिला लें। जी। ये पैगाम देंगी कि नहीं? दूंगी। हाँ तो आपको ये देखें, आपने छोटा सा एक काम किया था, आपको सर ने इनाम दिया, गिफ्ट ये पैसे दिए हैं, पता नहीं कितने दिए हैं, ये तो घर जाके देखना, अभी नहीं देखना वरना मैं चुरा लूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा तो आपको ये इनाम लेके क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, जाहिर है वो तो मिलेंगे। आप क्या फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। अच्छा तो सारे जितने भी बच्चे हैं आपने मम्मा को पैसे देने या पापा को भी? मम्मा को। अच्छा नहीं मैं इधर से पूछ रहा। हाँ आप बताइए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना मेल बॉय, आप किसको पैसे देंगे? मामा को। वही यार, सारे मामा को, पापा का भी हक होता है कि नहीं? हाँ हाँ। अच्छा हाफ हाफ, हाँ ये हो गया 50-50 काम, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इन बच्चों से इजाज़त चाहेंगे, क्या ख्याल है? पाकिस्तान पाकिस्तान। जी नाज़रीन, मुझे लगता है कि तुहानू बहुत चंगा प्रोग्राम लग्या होएगा जनाब। छोटे छोटे बच्चों के गेम शो बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि इदा दे हो सकता इस तो अच्छा तो नहीं हो सकता। तो जनाब इस तरह के प्रोग्राम बच्चों वास्ते और बहुत ही वधिया वधिया प्रोग्राम हो, सियासी ते भी और शुगली जुगतबाजी मजाहिया जनाब प्रोग्राम वेखन वास्ते साढ़े चैनल नू सबसक्राइब करो, और उदों तक जनाब अपने तुंबा सिंह नू इजाजत दियो। रब राखा, धन्यवाद।